हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSA. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस. स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या बोला है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पहले हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे. हमने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है. हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं. इनपुट मतलब हम जो इंस्ट्रक्शंस कहाँ देते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देते हैं. और उसके बाद जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो आपका जो भी कोई आउटपुट निकल रहा होता है, या जिस तरह से उनको आउटपुट बाहर आना चाहिए, या आप चाहते हैं कि वो आउटपुट आपको मिले, तो वो हमें कौन देता है, वो आउटपुट डिवाइसेस देता है, ठीक है. तो जो हमारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है. कंप्यूटर एक पूरा हमारी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ करके बनता है, तो उसको हम पूरा कंप्यूटर बोलते हैं. तो कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है. तो उनके अंदर के भी डिवाइसेस को हम बोलते हैं. तो फर्स्ट हम डिवाइसेस क्या चेक कर रहे हैं, ये आपका चैप्टर जो आपको बता रहा है, इनपुट डिवाइसेस के. इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं और हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड स्टोरेज डिवाइस, सो ऑन. कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है. हार्डवेयर मतलब एक जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, ठीक है, और उसके फिजिकल पार्ट्स होते हैं. अब मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके एक वो पूरा कंप्यूटर बना है, ठीक है. अब देखो उसमें पार्ट्स क्या जुड़े हुए हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, सो ऑन, ठीक है. ये चार चीज़ें आपको बताई हैं, और भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं. डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जो डिवाइसेस हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा देने के काम आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है. जैसे कि कौन सी आती है ये देखेंगे अब हम. फर्स्ट है कीबोर्ड, ठीक है. कीबोर्ड कौन सा होता है, जिसके ऊपर कीज़ होती हैं और उसके उस पर हम टाइप करते हैं, तो वो टाइपिंग हेल्प करती है, और वो जैसे हम जो या बाहर टाइप कर रहे हैं वही चीज़ आपके मॉनिटर में आपको स्क्रीन पे शो होगी. नेक्स्ट है माउस. माउस होता क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, माउस इसलिए इस्तेमाल होता है, आप क्लिक करते हैं, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, ठीक है. स्क्रोल करने के लिए ऊपर नीचे, आपको अपनी चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक है. तो इसीलिए माउस इस्तेमाल होता है. हम इसकी ब्रीफ बाद में पढ़ेंगे. स्कैनर, स्कैनर मतलब हमें किसी चीज़ को, हमें जो पेपर पे है वो हमें कंप्यूटर में चाहिए, ठीक है. तो वो हमें कंप्यूटर में दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर. इसकी आगे हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे. जॉयस्टिक, जॉयस्टिक बच्चों एक तरह का माउस ही होता है, ठीक है, और वो हेल्प करता है हमें मूव करने के लिए, ये अप डाउन, लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है. इसकी ब्रीफ भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे. माइक्रोफोन, माइक्रोफोन वो होता है जिसके थ्रू हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है. वेब कैमरा, जिस तरह से आपके वेब कैमराज होते हैं फ़ोन के अंदर, इस तरह से आपके कंप्यूटर्स में भी वेब कैमरा होते हैं, जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, या दूसरे इंसान को आपकी फ़ोटो दिख सकती है, या वीडियो, ठीक है. आर सम इनपुट डिवाइसेज, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेज है, जो हम इनपुट डिवाइसेज के बारे में अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कीबोर्ड. कीबोर्ड अभी आपको बताया है बच्चों की कीबोर्ड क्या होता है. कीबोर्ड क्या है, हमारा एक तरह का बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सी कीज़ हैं. कीज़ वहाँ पर आपको नंबर्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको एरो कीज़ भी मिलेगी, वहाँ पे आपको और फंक्शंस कीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको स्पेशल कीज़ भी होती हैं, ठीक है. तो ये सारी कीज़ कहाँ पे होती है, कीबोर्ड के अंदर, और कीबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है. तो अब देखेंगे हम कीबोर्ड में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है. और कीबोर्ड हमारा क्या है, पहला इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा. वो किस लिए इस्तेमाल होता है, डेटा को एंटर करने के लिए, किसमें, इनटू कंप्यूटर सिस्टम, किसमें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. इट हैज़ मैनी कीज ऑन इट. इसके ऊपर बहुत सारी कीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई.
ईच की परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, हर की का अपना एक टास्क होता है, हर की अपने अकॉर्डिंग एक काम करती है, ठीक है। सो ईच की परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, तो वो की जो है वो एक चीज़ को परफॉर्म करती है, मतलब एक की एक ही चीज़ परफॉर्म करेगी, ठीक है, एक की एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी। मोस्ट कीबोर्ड्स हैव 104 कीज, बहुत से कीबोर्ड्स में 104 कीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। कीज ऑन कीबोर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जो कीज होती है कीबोर्ड के ऊपर वो बहुत से टाइप की होती हैं। हम देखेंगे फर्स्ट अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट कीज देखिए क्या है, कितनी कीज होती है, 26 कीज। हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं, ए से जेड तक होते हैं, तो कितनी हुई कीज हमारी, 26 कीज। नंबर कीज, नंबर कीज 0 to 9 होती हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी वो 10 कीज हुई। स्पेशल कीज है, स्पेशल कीज का मतलब क्या होता है, आप पिक्चर में देखेंगे वहाँ पे आपको फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ये सब जो है आपकी स्पेशल कीज है। एरो कीज, एरो कीज मतलब अप डाउन लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। आप अभी पिक्चर में देखेंगे आपको एरो कीज दिखेगी, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है और एक राइट में जा रही है। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज कौन सी है, हमारे 12 कीज होती है स्टूडेंट्स। आपने कीबोर्ड अगर आपके पास है तो एक बार चेक करिएगा, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको शो होगी F1, F2, F3, F4 से लेकर के F12 तक, ठीक है। ये इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। इनको फंक्शन कीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग है, ठीक है। हम अगर इस की को, इन कीज को किसी से कंबाइन करके भी फंक्शन करवाएंगे तो वो भी वो एक तरह का फंक्शन ही देगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे ये परफॉर्म होती है, ठीक है। सो कीबोर्ड आपका किस तरह से परफॉर्म होता है ये आपको आज समझ में आया, आपके इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट आपका चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।